एनडीयू पीसी ऑफिस को पूरी तरह से हाईजैक कर एडहॉक टीचर्स और प्रोफेसर्स को धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ये सभी एडहॉक को परमानेंट करने की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनकी मांग है कि 28 अगस्त को लाया गया सर्कुलर पूरी तरह से वापस किया जाए। इस समय विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही और शिक्षकों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में देख सकते हैं कि प्रदर्शन करने के दौरान कुछ टीचर्स अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं और अस्थायी होने की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के टीचर्स विश्वविद्यालय में रहे, वो सड़क पे ना आए, हम भी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। ये दिन देखने के लिए बाबा आपने PhD नहीं कराई थी हमें। हम चाहते हैं हम क्लासरूम में अपना बेस्ट दें, हम रिसर्च में आगे बढ़े, हम सब चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सरकार का सहयोग चाहिए। अभी एज एडहॉक्स हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है जो एक परमानेंट टीचर को मिलती है। मटर्निटी लीव हमारे लिए नहीं है, किसी भी तरह की लीव हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर 4 महीने में हमारा लेटर जो है वो रिन्यू होता है। हर पिछले 10 साल से हर 4 महीने में ये सेम प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन आती जा रही है। इस मेंटल हैरेसमेंट के साथ एक टीचर क्लासरूम में कैसे जा सकता है, आप मुझे बताइए। मेरी PMO से, सरकार से यही दरख्वास्त है कि टीचर को क्लास में ही रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टीचर क्लास में रहे तो ये सब बंद कराइए, हमारी अपॉइंटमेंट्स करिए। जितने भी एडहॉक्स हैं, 4500 एडहॉक्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसको आगे बढ़ाना अगर हम चाहते हैं तो हमारी परमानेंट अपॉइंटमेंट्स बहुत बहुत ज़रूरी है। एडहॉक टीचर की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, वो है अपॉइंटमेंट। आपको बता दें कि DU ने इन्हें एक ही झटके में इनके इस बार 4 महीने पर होने वाली कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को रोक लगा दी है और इनके जगह को गेस्ट टीचर्स का रूप देने की कोशिश में है, जिसके बाद इस फैसले को लेकर ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा है कि जब सरकार ने ठान ले ली है कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद करना है तो एक दिन में तो सोल्यूशन निकलना नहीं है। जो सरकार नीतियां बना रही है कि हर जगह से पैसा वापस लेके यूनिवर्सिटी से और फीस बढ़ा के और टीचर्स की सर्विस कंडीशंस ख़राब करके नौकरियों से निकाल के हम यूनिवर्सिटीज़ चलाएँगे, तो वो तो जब तक हम डिटर्मिन तरीके से हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस लड़ाई में, बहुत जल्दी नतीजा निकलना तो इतना आसान नहीं है। 28 अगस्त की चिट्ठी भी जो आई है वो भी सरकार की नीति के तहत आई है कि आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, बेशक फुल टाइम वैकेंसी क्यों ना हो, लेकिन उसको सिर्फ गेस्ट से आप भरेंगे और गेस्ट सिर्फ आधा काम कर सकता है, उसको अलाउड है 8 पीरियड और पीरियड होती है 16, तो कौन पढ़ाएगा? बच्चे क्या नहीं पढ़ेंगे और बच्चे क्या ऑनलाइन कोर्स करेंगे उसकी जगह? तो सबसे बड़ी बात वो है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ने भी, हमें लगता है कि वो सरकार का ही दबाव है उनके ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि ठीक है, जितने 4500 एडहॉक जो अभी पढ़ा रहे हैं जिनके ऊपर 28 अगस्त की चिट्ठी लागू नहीं होती है उनको भी हम तनख्वाह नहीं देंगे, उनको भी हम काम कर लिया और तनख्वाह नहीं देंगे, और ये जो रिन्यूअल होता है उनका 16 दिसंबर तक वो भी नहीं देंगे। तो जाहिर है फिर 4500 के ऊपर पेट पे लात पड़ेगी तो हम लोग तो बाहर निकल के आएंगे। तो हमारा ये जो आंदोलन है, हम कहते हैं कि हमारे जितने ये एडहॉक साथी हैं उनको अब्जॉर्ब करो, हम कहते हैं 28 अगस्त की चिट्ठी जो है उसको विड्रॉ करो, उसमें बिल्कुल इलीगल लेटर है, उसका कोई मतलब नहीं, अनएकेडमिक है, और हम ये कह रहे हैं कि सारे लोगों को रिन्यूअल दिया जाए और सबको पक्का किया जाए। हम पक्की नौकरी हमारा हक है, एक यूनिवर्सिटी में 4500 कच्चे चल रहे हैं, 4 महीने पे भागते हैं अर्जी लेके, मटर्निटी लीव नहीं मिलती है, कोई हक नहीं उनका, ये तो स्लेवरी है ना, ये तो गुलामी चला रहे हैं आप, और कैसे यूनिवर्सिटी, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, वो कैसे चलेगी? तो ये जनता को समझना है कि अगला कदम है कि फी हाइक होगी। आप जो JNU में हुआ, जो सारे यूनिवर्सिटीज़ में, एम्स में हुआ, IIT में हुआ कि लाखों में आपकी फीस चली जाएगी, वो अगली कड़ी सरकार की हमारी यूनिवर्सिटी में होगी। इसलिए हम स्टूडेंट्स से भी अपील करते हैं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई एक ही है, हमें अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को बचाना है, आप आइए हमारा साथ दीजिए। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई खास फैसला नहीं आया है। हालांकि कल के प्रदर्शन के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी लेकिन मीटिंग में कोई खास हल नहीं निकल पाया। वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में बुधवार को शिक्षकों के प्रदर्शन और हड़ताल के कारण कक्षाएं बाधित रहीं। इस दौरान नॉर्थ कैंपस में तोड़फोड़ भी की गई। हॉस्टल मैनुअल रोलबैक को लेकर कैंपस में विद्यार्थी 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ की बढ़ती दूरियों के चलते शिक्षक संघ भी छात्रों के समर्थन में आ खड़ा हुआ है।
दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट।